Hello, very good morning to all the students. Today I am going to explain unit 9, Lion. The chapter name is Lion, the King of the Forest. Forest का king obviously lion ही होता है, तो उसके बारे में छोटी story है. मैंने previous video में ये story समझाई दी है, तो आप देख लेना, okay? Watch carefully the video. First question है, who was Simba and where did he live? Simba, Simba कौन था? तो Simba यहाँ पे एक lion का नाम है. Simba was a special lion. Who lived in the African savannah? African savannah यानी African forest में Simba lion नाम का lion रहता था. Okay? अब what did Simba do in the savannah? Savannah में Simba क्या करता था? तो Simba would played in the plains, running and jumping with his friends. Simba lion था वो plains, plains यानी ग्राउंड होता है बड़ा, एम्प्टी ग्राउंड, एम्प्टी यानी खाली ग्राउंड होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको प्लेन्स बोलते हैं. वहाँ पे खेलता था अपने फ्रेंड के साथ और रनिंग भी करता था एंड जंपिंग भी. ओके, नाउ व्हाट वाज सिम्बाज स्पेशल गिफ्ट? सिम्बा को स्पेशल गिफ्ट क्या थी सिम्बा की? तो सिम्बाज स्पेशल गिफ्ट वॉज एवरी टाइम ही रोड एंड ही क्रिएटेड सच ए स्ट्रांग विंड लाइक ए हुरिकेन. सिम्बा की स्पेशलिटी क्या थी? स्पेशल यानी स्पेशल गिफ्ट मीन्स आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सिम्बा को गॉड गिफ्ट क्या मिली थी. तो सिम्बा को एक स्पेशल गिफ्ट यानी गॉड गिफ्ट ये थी कि वो हमेशा रोर करता था. लायन का साउंड का जो नेम है उसको रोर बोलते हैं. एंड ही क्रिएट सच ए स्ट्रांग विंड, वो ऐसे स्ट्रांग विंड क्रिएट करता था यानी कि जब वो चिल्लाता था, रोर करता था, तो उसके मुंह में से ऐसा विंड क्रिएट होता था. विंड यानी हवा, ऐसा क्रिएट होता था जैसे कि हुरिकेन. हुरिकेन एक स्टॉर्म का नाम है. स्टॉर्म यानी पता है ना सबको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म यानी आंधी तूफान. तो वो अपने रोर से ऐसा विंड क्रिएट करता था मुंह से जैसे कि कोई आंधी या तूफान आया हो. ओके, ऐसी विंड वो स्ट्रांग क्रिएट करता था. नाउ नेक्स्ट, नेम द एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन द सवन. सवन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल रहते थे? तो देयर वर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक जिराफ्स, एलिफेंट्स, हेनास एक्सेट्रा. ओके, आपको मेन ये थ्री नेम्स याद रखने हैं, जिराफ, एलिमेंट्स एंड हेनास. ओके, एक्सेट्रा. नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सिम्बा सी व्हेन ही वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड? सिम्बा ने क्या देखा जब वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था? तो व्हेन ही वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड सिम्बा सो क्या देखा उसने? इनोराउस मशीन डिस्ट्रॉइंग ए पार्ट ऑफ द प्लेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ. उसने अपने फ्रेंड के साथ ये देखा कि ऐसी मशीन आई थी, मशीन का नाम था इनोरमाउस, जो डिस्ट्रॉय करते थे. क्या डिस्ट्रॉय करते थे? प्लेन एरिया को डिस्ट्रॉय करते थे. उसमें डिगिंग, डिगिंग यानी उसमें खड्डे करना, अनवांटेड जो एरिया है उसको डिस्ट्रॉय करते थे. इस तरह से वो अर्थ में डिगिंग करके प्लेन एरिया को डिस्ट्रॉय करते थे. कौन करता था? इनोरमाउस मशीन्स. नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड द सवन्स गेट डिस्ट्रॉयड? सवन यानी फॉरेस्ट, अफ्रीकन फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रॉय होगा, हो गया? तो द ह्यूमन्स आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स डिस्ट्रॉयड द सवन. ह्यूमन्स यानी हम सब ह्यूमन बींग्स, हम सब पर्सन्स, उसको ह्यूमन्स बोलते हैं. वो क्या बनाते थे? बिल्डिंग बनाते थे. किसका? ऑयल वेल्स, कुआं, तेल के कुएं बनाते थे. इस तरह से सवन डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ नेक्स्ट, हु वेयर कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर सिम्बा एंड हिज फ्रेंड्स एंड व्हाई? सिम्बा और उसके फ्रेंड क्या प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे एंड वाई? तो इट वॉज द मैन दैट वेयर कॉजिंग एट ऑल बिकॉज सिम्बा हैड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विथ एंड फ्यूअर प्लेन्स. सिम्बा के पास फ्यूअर फ्रेंड्स थे. फ्यूअर मीन्स कम, बहुत ही कम मात्रा में, लेस, बहुत ही कम फ्रेंड्स थे और फ्यूअर प्लेन्स थे. उनके पास जो खेलने की जगह थी वो भी कम थी. ओके, प्लेन्स यानी ओपन एरिया, ओपन ग्राउंड. नाउ व्हाट वाज द सॉल्यूशन गिवन बाय वाइज लायन? जो वाइज लायन था उसने क्या सॉल्यूशन दिया? तो द ओनली सॉल्यूशन इज द मेन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड इंस्टेड. वाइज लायन, वाइज यानी एक अच्छा लायन, वाइज मीन्स अच्छा. उसने क्या सॉल्यूशन दिया कि ये जो सारे मेन है ना, एक तो उसको पेट्रोल यूज करना कम करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए यानी जो नेचुरल एनर्जी हम
जैसे कि हमें विंड से मिलती है। ओके, तो नेचुरल एनर्जी यूज करके हमें सावन को बचाना चाहिए। तो उसने ये सॉल्यूशन दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सिम्बा डू टू हेल्प मेन टू यूज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यूज करने के लिए सिम्बा ने क्या किया? तो ही डिसाइड टू हेल्प मैन टू यूज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द वर्ल्ड, विंड पावर। सिम्बा ने मैन को क्या बोला कि आपको एक पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए जो वर्ल्ड विंड पावर नाम से जाना जाती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इससे सावन भी बच जाएगा, ओके, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सिम्बा डू टू रिकवर द सावन। सिम्बा ने क्या किया सावन को रिकवर करने के लिए? तो आंसर इज, टू रिकवर सावन सिम्बा सक्सीड इन गेटिंग मेन काइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। सक्सीड यानी सक्सेस हुआ, उसने ऐसा काम किया कि सारे मेन, सारे पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स पेट्रोल यूज करना बंद कर दे। इसके लिए वो सक्सीड भी हुआ और उसने कोशिश भी की और सबको क्या यूज करने को बोला, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, प्लीज स्टूडेंट रीड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, ओरल एंड रिटन प्रैक्टिस करना तो आपको ज्यादा याद रह जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स ओनली 10 ही है। ओके, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इजी। सारे वीडियोज क्लियरली केयरफुली वॉच एंड लिसन करना। ओके, थैंक यू।